So I was talking about distribution of water resources on the earth. So it is unevenly distributed over the earth. So earth में earth की अगर बात करते हो, सरफेस की, जहाँ पे लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पे आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है वाटर रिसोर्सेज का. तो अ ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज. देखो, जो जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है उसके ऊपर में बर्डन आ रहा है. एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका. अरे, किसी भी टाउन या सिटी को देख लो, तो किसी भी टाउन या सिटी में जो आजू बाजू में वाटर रिसोर्सेज है, तो उस वाटर रिसोर्सेज से उस टाउन या सिटी में जितने भी लोग रहते हैं या एनिमल्स है, उनकी जो ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स होती है या बाकी दूसरी नीड्स होती है, उनको पूरा किया जा सकता है. लेकिन उसी टाउन या सिटी में बाद में जब काम करने के लिए लोग बाहर से आना शुरू कर देते हैं, किसी विलेज से या अदर टाउन सिटी से, क्योंकि वहां पे शायद हो सकता है कि वहां पे रोजगार हो, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो उसके कारण लोग आना शुरू कर जाते हैं. उसके बाद में लोग एक तो वहां पे घर बनाते हैं या स्लम झोपड़िया बना के स्लम एरिया में रहना पसंद करते हैं, या तो फिर रेंट से रहते. तो होता क्या है, वहां पे जो वाटर रिसोर्सेस आती है उसके ऊपर में बर्डन आ जाता है उन सभी लोगों का, क्योंकि उनको भी वाटर प्रोवाइड करना होता है, वाटर सप्लाई करना होता है. तो ऐसी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की है आज के डेट में. आप कोई भी सिटी उठा के देख लो, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, पुणे, नागपुर, वट एवर जो भी है, तो इन सिटी में जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, क्या वो सिटी की है, वो पूरी की पूरी है, वो बाहर से लोग आके वहाँ पे रहते हैं, और उसके कारण वहाँ के जो ओरिजिनल वाटर रिसोर्सेज है उनके ऊपर में उन लोगों का भी क्या होता है, बर्डन आ जाता है. और वो लोग जहाँ से अपना गांव या शहर छोड़ के आते हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं और वहाँ पे शायद वाटर रिसोर्सेज उतने ज्यादा रहते हैं. तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन तो वैसे भी जैसे जैसे डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो 101% वाटर रिसोर्सेज पे उसका बर्डन आ रहा है. लेकिन माइग्रेशन इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम. माइग्रेशन समझ रहे हो ना, जब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं रहने के लिए अलग अलग कारणों के कारण, कभी कभी रोजगार के लिए जाते हैं, तो कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी जाते हैं, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं. तो इसका डायरेक्टली मतलब बर्डन किसके ऊपर में आने वाला है, वहाँ के जो रिसोर्सेज है, कुछ भी हो जाए, मतलब फार्मिंग यील्ड हो गया, वहाँ पे जो फार्म प्रोड्यूस है उसके ऊपर में भी बर्डन आ जाता है. तो वहाँ के बाजार में चले जाओ, आपका वेजिटेबल बहुत महंगा मिलता है, राइट. यहाँ तक नौबत आ जाती है कि लोगों को पानी बेचना पड़ता है, खरीदना पड़ता है. आपने देखा ही होगा सिटीज में, जैसे समर डेज में लोग अपने यहाँ पे वाटर खरीद के पीते हैं. स्ट्रेंज, राइट. जिस देश में गंगा बहती है उस देश में पानी को खरीदना पड़ता है. तो मतलब ये जो गाना है पहले, आज वो मतलब 100% ट्रू नहीं है, हम उसको सच नहीं बोल सकते आज की डेट में. तो इसको अगर सच बनाना है कि देश में गंगा बहती है, उस देश में पानी की कोई कमी नहीं, इसको अगर सच बनाना है तो आपको क्या करना होगा, वाटर मैनेजमेंट, राइट. वाटर का प्रॉपरली मैनेजमेंट करना होगा. तो ये हमारे जनरेशन की नीड्स है. हम ये चैप्टर क्यों करते, क्योंकि हम हमारे बीच में अवेयरनेस क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, और हमें ये सब चीजें समझनी चाहिए, राइट. सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. वाटर स्कैर्सिटी इज ऑलरेडी अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लोग रहते हैं, लोग सेटल, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, मेनली ऐसे एरिया में वाटर स्कैर्सिटी को झेलना होता है, फेस करना होता है, राइट. पानी की दिक्कत को वाटर स्कैर्सिटी का मतलब ही वही होता है, राइट. सो and many more are likely to face this problem in the near future. Among the areas that already face water shortages are northern and southern Africa. देखो, वर्ल्ड की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे नॉर्दर्न एंड सदर्न अफ्रीका की बात की है, मतलब पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही बोल सकते हैं हम. तो यहाँ पे वाटर स्केयरसिटी को बहुत ज्यादा फेस करना होता है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में भी वाटर स्केयरसिटी को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है. तो आप लोग क्या करोगे, अभी यहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न अफ्रीका की बात की है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री है उसको आप देखिए, ये मैप वर्क है. जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे उतनी अच्छी ज्योग्राफी की नॉलेज होंगी आपकी, और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर फ्यूचर में मान लो आप बहुत बड़े इंसान बन जाते हो, डेफिनेटली बनोगे, नो प्रॉब्लम, इतना अच्छा पढ़ रहे हो तो आप हो सकता है बाहर अबॉर्ड जाके नौकरी करना चाहो. अरे, ऐसे देश में जाना जहाँ पे वाटर स्केयर सिटी ना हो.
तो ये तो समझ होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है और बाद में जाओगे आप वहां पे काम करने के लिए, तो पानी भी आपको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। हर चीज के लिए अगर पैसा दोगे तो पैसा बचा के क्या लाओगे अपने देश में, राइट? तो ये सब अभी से डिसाइड करना होगा और ऐसी सिचुएशन ना बने इसके लिए भी काम करना होगा। तो मैप में ये सब चीजें दिखाना है। मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैप में आप अफ्रीका को दिखाइए और अफ्रीका में ऐसी कौन सी कंट्री, उसको नेट पे सर्च कीजिए और मैप में शो कीजिए जहाँ पे वाटर स्केयरसिटी को फेस करना पड़ता है। और इसका रीजन क्या होगा, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो वहाँ पे वाटर होने के बावजूद लोगों को उसका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे, या वाटर होने के बावजूद वो पोल्यूट होगा, या तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। ये दो तीन कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कारण ही नहीं हो सकता, राइट? तो इन कारणों को भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे कोट कर सकते हो और मैप में दिखाइए। जब जहां तक हम एशिया की बात करते हैं, तो एशिया में, सेंट्रल एशिया में भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है आपको, और नॉर्दर्न ईस्टर्न चाइना का पोर्शन है, वेस्टर्न यूएसए है, ये यूएसए अभी अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पार्ट ऑफ मेक्सिको एंड साउथ अमेरिका आल्सो, मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया खुद आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, कॉन्टिनेंट, राइट? वहाँ पे भी वाटर स्केयरसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसके क्या कारण है ये भी ढूंढो आप लोग। जैसे कि मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट बाय 2025, जैसे मैंने बताया लास्ट इसमें अभी थोड़ी देर पहले, कि आने वाले 2025 तक अबाउट 4 बिलियन पीपल को क्या करना होगा, विल हैव एन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब दुनिया के 4 बिलियन पीपल को जितना चाहिए पानी पीने के लिए उतना नहीं मिलेगा, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी मत, तो अगर नहाने गए तो घंटों तक वहाँ पे टाइम पास मत करो, क्योंकि ये हमारे बाद में आने वाले जनरेशन को भी तो नहाना है ना, वो ऐसे ही थोड़ी रहेगी। तो फ्रेश वाटर को हमने बचाना है यहाँ पे, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, इंडियाज वाटर रिसोर्सेज। तो ये सब जानने के बाद में हम इंडिया पे आ रहे हैं, और इंडिया में वाटर रिसोर्सेज की क्या पोजिशन है ये देखना है यहाँ। इंडिया हैज अ सफिशियंट वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ पेरिनियल रिवर। देखो पहली सेंटेंस में ये बताया कि इंडिया में जितने लोग हैं उनकी जरूरत पूरा करने के लिए यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स अवेलेबल है। पेरिनियल मतलब साल भर पानी वाटर को कैरी करने वाली रिवर्स है हमारे। फिर भी वाटर स्केयरसिटी हम लोग देखते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है स्टेटमेंट, थियोरेटिकल स्टेटमेंट है, राइट? प्रैक्टिकल स्टेटमेंट नहीं है। सो हाई एनुअल रेनफॉल, और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है, हमारे यहाँ पे 115 सेंटीमीटर से वो एवरेज रेनफॉल होती है कहाँ पे, पूरे देश में। तो ये काफी अच्छी रेनफॉल होने के बावजूद अगर हम क्या करें, वाटर स्केयरसिटी फेस करें, तो ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, राइट? तो इसको भी समझना होगा। आगे जाके 10th वाले क्लास में एक चैप्टर ही है पूरा का पूरा इसके ऊपर, वाटर रिसोर्सेज करके, वहाँ पे ये इसको और डीप में आप समझ पाओगे, लेकिन समझोगे तब समझोगे, इसी क्लास में इसको अच्छी तरह से समझाओ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, वाटर की जो बात की है, बहुत ज्यादा होने की बात की है, तो किस फॉर्म में, हमारे यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा होता है, पेरिनियल रिवर्स है, अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत अच्छा है बोलते हैं। बट हाउ एवर एज दिस रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर भी ये जो रिसोर्सेज है, जैसे पेरिनियल रिवर पूरी की पूरी नदरदेन में है, हम रहते कहाँ पे है, डेक्कन प्लेटू में रहते हैं, यहाँ पे पेरिनियल रिवर न होने के कारण हमको वाटर स्केयरसिटी क्या को फेस करना पड़ता है। तो अनइवनली इंडिया में भी देखा जाता है, मेनी इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू सफिशियंट वाटर, बहुत सारे भारतीय लोगों को वाटर मिलता नहीं है जो जरूरी है वो। इंडिया हैज अंडरटेकन मेनी रिवर वैली प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत सारे मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट को चलाया है। जैसे मैंने दामोदर रिवर का बताया आपको, गंगा रिवर का, जो इंडस की जो सतलज है, सतलज रिवर पे एक बहुत बड़ा डैम बनाया, तो मैं यहाँ पे नेम नहीं लूंगा क्योंकि ये सब तो आपको सर्च करना है, राइट? सो आई होप कि इंडिया वाटर रिसोर्सेज इज क्लियर। तो इसमें इतना ही है कि इंडिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, सबको पता है कितना होता है, आप कोट करके 115 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है हमारे यहाँ पे। उसके बाद में हमारे यहाँ पे पेरिनियल रिवर है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, साल भर उसमें पानी होता है। और दूसरा वीक पॉइंट ये है कि ये जो वाटर रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक पाए जाते हैं, राइट? नागपुर के पास में जैसे भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको तो लेक का डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, शायद आपको पता हो, लेक ही लेक देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे छोटे मोटे, राइट? तालाबों का जिला बोलते हैं, तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलगी। तो यहाँ पे साल्ट वाटर वाले भी लेक है हमारे इंडिया में, तो फ्रेश वाटर वाले भी लेक है हमारे इंडिया में। तो आप एक काम कीजिए, साल्ट वाटर वाले कितने लेक्स हैं और
फ्रेश वाटर वाले कितने ले सकते, इनको आप लिस्ट बनाइए ताकि आप आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी हो जाए और आपको पता भी चले कि किस स्टेट में किस टाइप के लेक्स है, ओके। और ये सब करना ही है बेटा आपको, राइट। तो डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, ये एक टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर का। उसके बाद में चैप्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दी एंड हो जाएगा थोड़ी देर। सर साल्ट लेक और साल्ट लेक, साल्ट और फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर। देखो जिस लेक का वाटर मतलब साल्टी होता है, सलाइन होता है, पी नहीं सकते उसको, उससे हम साल्ट भी बनाते हैं। जैसे आपको पता है राजस्थान में एक लेक है, तो उस लेक का वाटर से हम मालूम है साल्ट बनाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि साल्ट बनाने के लिए आपको मतलब कोस्ट लाइन में ही जाना होगा, बे ऑफ बंगाल या इधर अरे बिग सी, ऐसा नहीं। लेक से भी सॉल्ट बनाया जाता है, राइट। जैसे उधर हिमाचल प्रदेश जाओ आप या जम्मू जाओ, वहां पे भी लेक मिल जाएंगे आपको। हमारा मानसरोवर लेक तो पता ही है आपको, तो एस्थेटिक पर्पज से जाते, हमारी आस्था है, शिव जी की आस्था जुड़ी हुई है, तो उधर तिब्बत में आता है वो, हमारे टेरिटरी में नहीं है, तो वहाँ की यात्रा करते हैं लोग बहुत सारे लोग, राइट। तो इन लेक का अलग अलग मतलब यूटिलाइजेशन है हमारी इंडिया में, कभी उसका वाटर यूज करते हैं तो कभी हम उसको पूछते भी। तो इंडिया के लोग वैसे भी धार्मिक बहुत ज्यादा है, राइट। रिवर को माता का दर्जा देते हैं और उसको पोल्यूट भी करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना बेटा। आप लोग मतलब इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद में ये कभी मत करना कि आपके साइड में जो भी वाटर रिसोर्सेज है उसमें कभी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि उसी वाटर रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, राइट। तो अगर ये सब चीजें सब लोग फॉलो करना लग जाए तो हमारी जितनी भी रिवर्स है वो साफ सुथरी हो जाएंगे, गवर्नमेंट को उसके ऊपर में इतने लाखों करोड़ों खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमको समझना है इस चैप्टर से। हम कैसे जब चैप्टर को रीड करते हैं समझते हैं, तो सिर्फ एग्जाम पर्पज से टू राइट द क्वेश्चन आंसर ये नहीं करना है, ये तो अपने आप हो जाएगा चैप्टर अगर प्रॉपर से आपको समझ में आ जाएगा। इसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन पता होना चाहिए हमको, ये फील होना चाहिए कि हमारे लिए और बाकी दूसरे जो जीवित लोग हैं, जीवित एनिमल है, जिंदा लिविंग थिंग्स के लिए वाटर कितना जरूरी है ये समझना होगा, और वो भी फ्रेश। पोल्यूटेड वाटर अगर प्रोवाइड करोगे आप तो इसके बैड इम्पेक्ट तो सबको झेलना पड़ेगा, राइट। तो देखिए डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, तो इसका थोड़ा सा ही लेंगे आज और इस लेक्चर को थोड़ा स्टॉप करेंगे, राइट। बाकी कल के लिए छोड़ देंगे क्योंकि बहुत देर से चल रहा है ये लेक्चर। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप। देखो जैसे आपको स्कूल में ग्रेड दी जाती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, राइट। तो ये ग्रेड अच्छी मानी जाती है क्योंकि अच्छा स्कोर हो जाता है आपका, तो उससे पता चलता है कि ये बच्चा पढ़ाई में कैसा है, राइट। तो वैसे भी हमारी जो लैंड है, सॉइल है, उसकी भी ग्रेडिंग की जाती है। उसकी जब क्वालिटी खराब हो जाती है, राइट, क्वालिटी मतलब उसकी फर्टिलिटी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, जो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती है, उसकी जब क्वालिटी खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम डीग्रेड हो जाए। आई होप कि आपके समझ में आया। लैंड को, सॉइल को, वाटर को डीग्रेड होना कब बोलते हैं हम, जब उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी फर्टिलिटी होती है, जैसे सॉइल की, लैंड की, राइट। तो वो फर्टिलिटी जब लॉस हो जाती है या उसमें जो फर्टिलिटी के लिए जो आवश्यक ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, राइट, जो प्लांट्स और एनिमल के जो रेसिड्यूज होते हैं आफ्टर डिकेइंग, तो वो नहीं होते उसमें, या वो खत्म होने शुरू हो जाते हमारे एक्टिविटीज के कारण या वेदरिंग के कारण, तब उस लैंड को या सॉइल को हम डिग्रेडेड सॉइल या लैंड। वैसे ही वाटर का भी है, जब वाटर को हम पोल्यूट कर देते, वाटर का भी खुद अपने आप पोल्यूट नहीं होता है। जब इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्टेज है, उसको जब वाटर बॉडीज में एंटर छोड़ा जाता है, तब वो वाटर बॉडीज क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। जब हमारे सिटीज से, गांव से, जो हाउस होल्ड से जो वेस्टेज निकलता है उसको ड्रेन कर दिया जाता है वाटर सोर्सेज में, तब वो वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे जितना भी वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है आपको, या सॉइल पोल्यूशन देखने को मिलता है, या जहाँ जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो, तो ये सब चिंता का विषय है और इसको रोकना चाहिए। इस चैप्टर में उसी के बारे में दिया है, तो हम अलग अलग एक एक देखेंगे आने वाले लेक्चर में। जैसे हम लैंड स्लाइड के ऊपर में बात करेंगे आने वाले लेक्चर में,
लैंडस्लाइड कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पे अनवांटेड माइनिंग होती है। तो माइनिंग क्यों होती है भाई? तो माइनिंग बहुत जरूरी भी है, क्योंकि माइनिंग नहीं होगी तो हम और हमारी लैंड में से मिनरल्स को कैसे बाहर निकालेंगे? अभी आयरन ओर्स को अगर बाहर निकालना है या बाकी गोल्ड को बाहर निकालना है, कोई भी जो दूसरी धातु को बाहर निकालना है, मिनरल्स को अगर बाहर निकालना है तो माइनिंग करना ही होगा। कोल को बाहर निकालना है तो माइनिंग करना होगा। लेकिन ये माइनिंग ऐसे ही एरिया में करनी चाहिए जहाँ पे वो एरिया सेफ हो, वहाँ पे लैंडस्लाइड ना हो। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए गवर्नमेंट, ताकि इन सभी चीजों को रोका जाए। तो माइनिंग के कारण भी लैंड का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन होता है, उसको डीप करना होता है बहुत डीप तक, राइट? और उससे क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद में लैंड में से बहुत ज्यादा बोल्डर्स को निकाला जाता है। तो लैंड एक वहाँ की सॉइल और लैंड पूरी तरह से मतलब ढीली हो जाती है, पतली हो जाती है, और वो किसी काम की नहीं रहती है वो लैंड, क्योंकि उसके बाद में उसको प्रॉपर मैनेज भी नहीं किया जा सकता, फिर से उसी कंडीशन में उसको रिटर्न नहीं कर सकते हम, राइट? तो ये सब प्रॉब्लम है जो हम लैंडस्लाइड में करेंगे। तो लैंडस्लाइड हमारे यहाँ पे इंडिया में कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं उसको भी नोट करना है। जो जो बातें मैं इस लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ वो सभी आपको नोट करना है, उसके ऊपर में काम करना है, ताकि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। 10th में इस चैप्टर 10th में ये चैप्टर रिपीट होने वाला है, वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो डिग्रेडेशन हो गया लैंड का और लैंडस्लाइड भी हो गया। तो लैंडस्लाइड के कारण जो रोड्स वगैरह होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक बार शायद आपने लास्ट ईयर में एक न्यूज सुनी होगी, तो मुंबई में एक पूरी की पूरी हिल जो है वो लैंड स्लाइड हो गई थी। तो वहां पे जितना बड़ा सेक्टर था, लोग रहते थे, वो सारे के सारे घर दब गए। तो ऐसी जो घटनाएं है, इंसिडेंट्स है, एक्सीडेंट्स है, ये सब लैंडस्लाइड के कारण हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स है आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वाटर रिसोर्सेस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, राइट? तो आप लोग मुझे यहाँ तक जो बातें समझ में नहीं आई है उसके ऊपर में क्वेश्चन कर सकते हो राइट नाउ, ओके? देन आफ्टर आई विल फिनिश, ओके? यस, सर आपने अभी कहा ना वो फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर की मतलब वर्ल्ड में कितनी लेक से वो फाइंड करना है क्या? यस यस यस। वर्ल्ड में नहीं तो कम से कम इंडिया के पता होने चाहिए बेटा, ठीक है? जैसे महाराष्ट्र में कहाँ पे लेक यस है, कौन कौन से बड़े लेक है महाराष्ट्र में, राइट? जैसे लोनार का है, पता होगा आपको, वो तो एस्ट्रॉइड की वजह से, एस्ट्रॉइड फॉल की वजह से क्रिएट हुआ था। तो बराबर वो फ्रेश वाटर वाला है कि साल्ट वाटर वाला है? जैसे राजस्थान में है तो वो कौन सा है, एमपी में बहुत सारे लेक मिल जाएंगे, भोपाल में आर्टिफिशियल लेक, भोपाल में कौन से लेक है, आर्टिफिशियल, भोपाल में आर्टिफिशियल लेक को बनाया गया था, राइट? कुछ सालों, हजारों मतलब 500 साल पहले की बात है, 500 600 साल पहले बनाए गए थे वहां पे। तो आर्टिफिशियल लेक भी याद रखना है आपको, राइट? जैसे उड़ीसा, ये जो हमारी ईस्ट कोस्ट लाइन है, वहाँ पे जो डेल्टाज है, वहाँ पे चिल्का सरोवर है। तो ऐसे जो जो सरोवर मतलब जो लेक्स है, उसको सरोवर बोलते हैं हम। तो इन चीजों को नोट करना है आपको, ताकि आपकी जनरल नॉलेज में ग्रोथ हो, राइट? आपको ये सब जीके में पता होना चाहिए। और जब आंसर लिखते हो आप, तो आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो ना उसमें, ये तभी लिख पाओगे जब आपको ये पता होगा, राइट? तो इसके ऊपर में आप जब एफर्ट लोगे, नेट पे सर्च करोगे, एक को सर्च करने जाओगे, दो चार और फ्री में मिल जाएंगे आपको इसी, राइट? तो ये सब करना है बेटा आपको, राइट? यस। सुंदर तो और अपना फोन पर आता है सर, कोई क्वेश्चन? मैं सुनती एनी क्वेश्चन? लैंडस्लाइड सबको पता चल सर। गया? यस। हाँ सर हमारे ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी में बेस्ड है क्या? देखो बेटा, एनसीईआरटी बेस ही है एक्चुअली। एनसीईआरटी में जो चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई है, उन सभी चीजों को शायद आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए उस बुक का जो साइज है वो तो थोड़ा मोटा देखने को मिलता है आपको, राइट? तो पेजेस से ही पता चल जाता है बेटा, जिसपे मैटर मैक्सिमम होगा तो पेजेस की जो जरूरत है वो भी ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी आप दिमाग में मत रखो कि जिन लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक होगी वो वहां से भी पढ़ सकते हैं, जिनके पास में कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन की उनको भी पढ़ सकते हो आप। तो इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है,
कंटेंट्स एक्चुअली प्राइवेट में मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको, और एनसीईआरटी को समझाना होता है तो टीचर आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम कंटेंट आपको अवेलेबल कराते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। तो आफ्टर ऑल हम लोग तो है ही आपको समझाने के, राइट? अगर आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो इसमें से बहुत ज्यादा मटेरियल को मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, राइट? और अगर आप रीड करोगे तो ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस चैप्टर, उसको बाद में लेक्चर लेने की जरूरत नहीं रखती है। अभी क्या क्रॉपिंग ये सब चीजें तो मैंने बोला ही है, खरीफ क्रॉप लोग लेते हैं, रबी क्रॉप लेते हैं, राइट? तो उसमें अभी खरीफ क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं ये आप आपके पेरेंट्स को पूछिए, दो चार क्रॉप के नाम पूछिए। रबी क्रॉप जैसे वीट कौन से मौसम में लिया जाता है, जवार किस मौसम में लिया जाता है, वेजिटेबल किस किस मौसम में लिए जाते हैं, तो ये जनरल नॉलेज की बात है आपकी, जनरल स्टडी की बात है आपकी, तो ये सब जानकारी घर से ही मिल जाती है आपको, राइट? तो इन सब चीजों के लिए तो वाटर रिसोर्सेस का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी पढ़ना होगा कि हमारे इंडिया में फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे है। तो आप आपके आजू बाजू के एरिया में जब देखोगे तो यहाँ पे इंटेंसिव टाइप का फार्मिंग होता है। अब ये वर्ड मैंने यूज किया, इस वर्ड को ध्यान रखिए आप, इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस उस एरिया में होती है जिस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और उन लोगों के पास में जो लैंड का एरिया होता है वो बहुत कम होता है। आप अगर देखोगे आपके आजू बाजू में तो उनके पास में जो फार्म फील्ड है, लैंड है, वो बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के पास में मोर देन 50 acres ऑफ लैंड है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। इनके पास में 1 acre होती है, 2 acre होती है, 3 acre होती है, 10, 15, 20 वाले तो बहुत कम लोग होते हैं किसी भी गांव में। तो इसका मतलब दे आर प्रैक्टिसिंग द इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये होता है। एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि उनके पास में बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड है मतलब दूर दूर तक लोग नहीं रहते, लैंड ही लैंड है। तो इससे डायरेक्ट समझ में आ जाता है। तो आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम एग्रीकल्चर को अलग से पढ़ते, उस चैप्टर में हम ये सब चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सिर्फ इस चैप्टर में हम उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जहां तक हमारे वाटर रिसोर्सेज का रिलेशन है, जहां तक हमें वाटर स्केयर सिटी को फेस करना होता है, और वाटर स्केयर सिटी को हम जो फेस कर रहे हैं उसके कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है। वाटर होने के बावजूद वाटर स्केयर सिटी होती है तो इसका मतलब वाटर का डिग्रेडेशन होता है, एस और नो? अगर मान लो कि आपके गाँव के आजू बाजू में कोई तालाब या नदी है, रिवर या लेक है, पॉन्ड्स है, और उसपे बहुत ज्यादा वाटर है, और फिर भी आप लोगों को बाहर से वाटर को बुलाना पड़ता है, वाटर बाहर से सप्लाई हो रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या समझे आप कि आपके आजू बाजू में जो वाटर है वो डिग्रेड हो चुका है या पोल्यूट हो चुका है, इसीलिए आप उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे। तो डिग्रेडेशन के कॉन्सेप्ट में ये आता है, जैसे कि अभी जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो वहाँ पे बहुत सारा केमिकल को प्रोसेस किया जाता है अलग अलग यूज के लिए, तो वो जब लैंड के ऊपर में स्प्रेड हो जाता है या कहीं पे उसको ड्रेन किया जाता है तो वो केमिकल सीप होने लगता है लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर, और उस एरिया को पूरा, उस एरिया में जो वाटर होता है उसके साथ में मिक्स हो जाता है, और बाद में उस एरिया का जो वाटर है वो पीने के लायक नहीं रहता। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत जगह जगह पे मिल जाए, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हुए और जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करती, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझ, राइट? और कोई प्रॉब्लम? यस, एनीबडी? तो यहाँ तक जो भी चीजें मैंने एज एन गाइडलाइन बताई है आप लोगों को, ये सब कंजर्वेशन में आता है, राइट? तो हम कंजर्वेशन कैसे करें, लैंड का कंजर्वेशन कैसे करें, सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करें, वाटर का कंजर्वेशन कैसे करें, इन सभी ये सब चीजें उनमें आती है, राइट? जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कैसे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करने के कारण आपको उनके जो अभी रेसिड्यूज है वो सॉइल में मिल जाते, तो उसके कारण भी सॉइल आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा सब कुछ। यस। ओके। सो शैल वी स्टॉप हियर? सर अभी आपने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया? यस। सर अभी आपने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया? ऑडियो क्लियर?
अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो वाटर रिसोर्सेस किया है। वाटर हमारे अर्थ पे कितना अवेलेबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारी इंडिया की वाटर नहीं सर, रिसोर्सेस क्या है। जस्ट अभी लास्ट जस्ट मिनट, अभी आपने डिस्कस किया वो। हाँ ओके, तो यस, हम हाँ अभी लास्ट में। लास्ट में जितने भी मैंने आपको सजेशन दिए इस वाटर रिसोर्स को कैसे यूज करना है, तो वो आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर। काम आता है कंजर्वेशन, इसको हम कंजर्वेटिव मेथड्स बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखो हमने डिग्रेडेशन की बात की थी ना, कि हमारा हमारी सॉइल, लैंड और वाटर डिग्रेड हो रहा है, राइट, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, तो उसको बचाने के लिए कुछ मेथड्स को एडॉप्ट करना होगा। तो उसको बचाने के लिए जितनी भी मेथड्स है वो सभी मेथड्स इसमें आएंगे कंजर्वेशन में, इसमें आएंगे कंजर्वेशन। जैसे देखो सॉइल का इरोजन हो रहा है, कंजर्वेशन, राइट, तो सॉइल का कंजर्वेशन करना होगा आपको। हाँ. सॉइल का इरोजन किससे होता है, अगर मान लो कि कोई प्लेन एरिया है और उस प्लेन एरिया में वाटर रन ऑफ हो रहा है, तो उसके साथ में सॉइल भी रन ऑफ हो जाती है, पता है ना आप लोगों को, वहां पे चैनल्स बन जाते हैं, गुलीज बन जाती है, डीप वैलीज बन जाती है, उसके कारण वहां की सॉइल इरोड हो जाती है। तो अभी इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जगह जगह पे डैम बनाना होगा, जो लोग फार्मिंग करते हैं वहां पे काउंटर फ्लोइंग करना होगा, जहाँ पे स्लोप एरिया है उसके पैरेलल में काउंटर फ्लोइंग करना होगा, ताकि ऊपर से स्लोप से आने वाला जो सॉइल फ्लो है उसको हम रोक सके, वाटर को रोक सके, राइट। तो बहुत सारी मेथड्स है, जैसे हम शेल्टर बेड्स बना सकते हैं। शेल्टर बेड से हम क्या कर सकते हैं कि जो विंड डायरेक्शन है और विंड का जो फोर्स है के कारण सॉइल इरोड हो जाती है या हमारे क्रॉप बर्बाद हो जाती है, उसको रोका जा सकता है। तो बहुत सारी कंजर्वेटिव मेथड्स है बाय विच वी कैन स्टॉप दिस डिग्रेडेशन एंड इरोजन ऑफ सॉइल, वाटर एंड व्हाटएवर, राइट। तो ये वाटर का, लैंड का और सॉइल का, तो डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन का मतलब क्वालिटी का खराब होना, राइट, और इरोजन क्या होता है, सॉइल का इरोजन मतलब सॉइल जो टॉप लेयर होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। एक्चुअली देखा जाए नेचुरली जब हम बात करते हैं सॉइल की, तो ये डीन्यूडेशन, दैट इज द कवरिंग ऑफ सॉइल बाय सर्टेन एलिमेंट्स लाइक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, राइट, एंड द रन ऑफ दैट अपर सॉइल, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है नेचुरली। बट हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे हमने इंडस्ट्री को यहाँ पे असेंबल किया और बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे असेंबल किया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा या कम्युनिकेशन सिस्टम या और भी बाकी जो चीजें है, तो उसके कारण हम लोगों ने क्या किया, ये सॉइल और ये जो लैंड डिग्रेड हो रही है या तो वाटर पोल्यूट हो रहा है हमारा, तो ये नेचुरली जो इसके फैक्टर है उसको एग्रेवेट किया है, उसकी स्पीड को हमने बढ़ाया है यहाँ पे। तो ये एक हद तक हमको समझना होगा, तो ये कहीं ना कहीं पे इसको भी हमको क्या करना होगा, रोकना होगा। तो दिस ऑल पॉइंट्स कम्स अंडर द कंजर्वेशन ऑफ दिस थिंग्स, ओके। तो हमें इस तरह से इसका कंजर्वेशन करना होगा, जैसे डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अ बिग कॉस्ट टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड लैंड। जैसे हमने जंग फॉरेस्ट को क्लियर किया, तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल को लैंड को अपने रूट से होल्ड करके, तो उसके कारण जब रन ऑफ होता है तो उसके साथ में वो सॉइल या लैंडस्लाइड जैसी जो इंसिडेंट्स है वो होती नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में क्या करना होगा आपको, ये फॉरेस्टेशन करना होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन हम करते थोड़ी नहीं, राइट। तो जैसे आपको किसी को पढ़ना नहीं आता है तो क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, मंदिर जाओगे आप, अरे पढ़ने की कोशिश करनी होगी आपको, उल्टा ही सोल्यूशन है, बहुत ही आसान है। लैंड को, सॉइल को, वाटर को बचाना है तो आपको ठीक उसके उल्टा करना होगा, जो कर रहे हो वो छोड़ना होगा और कुछ अच्छा करना होगा, मतलब जो फॉरेस्ट को काट रहे हो आपको प्लांटेशन करना होगा, ये फॉरेस्टेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये फॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट आपको क्या करना होगा, ये फॉरेस्टेशन करना होगा, राइट। वाटर को जहाँ पे आप, मतलब वाटर बॉडीज में पोल्यूटेंट को क्या कर रहे हो, ड्रेन कर रहे हो, उसको रोकना पड़ेगा आपको, अलग से उसको रिसाइकल करना होगा, रीयूज करना होगा, वाटर को फिल्टर कीजिए, उसके बाद में वाटर को ड्रेन कीजिए वाटर बॉडीज में। ऐसे केमिकल्स, फर्टिलाइजर को आप कम यूज कीजिए, जिससे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है या सॉइल की क्वालिटी में डिग्रेडेशन, ये सब ओके।
यहाँ तक क्लियर है? रेज योर हैंड, माइक ऑफ कीजिए, आप बाहर की आवाज आ रही है। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। हमने कंजर्वेशन को भी डिस्कस किया है यहाँ पे। तो रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो होती है, मतलब ट्रेडिशनल वे से जब लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें भी काफी हद तक ये देखा जाता है कि सॉइल का और लैंड का क्या होता है, इरोजन होता है और डिग्रेडेशन होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो अपने लैंड को, अपने फार्म को ओपन छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो वेदरिंग फैक्टर्स हैं जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर या विंड की वगैरह बात करते हैं, तो इनके कारण भी सॉइल फूटने लगती है और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने लगती है। तो कभी भी फार्मर लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, लैंड को ऐसे समय में, ऐसे सीजन में ओपन नहीं रखना चाहिए। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस, देयर इज सम एक्सटर्नल। सर आवाज क्लियर नहीं है। सर आवाज क्लियर नहीं है। माइक बंद कीजिए आप लोग। टर्न ऑफ योर माइक। ओके, अभी आवाज आ रही हो तो हैंड रेज कर, रेज योर हैंड। आवाज आ रही है मेरी? रुद्र, मीनल, ओके। So I was talking about the faulty methods of farming. So traditional way से जो हमारे farmer farming कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसे methods को देखा गया है कि जिसके कारण land का और soil का erosion होता है। तो गलत season में इसको कैसे open नहीं छोड़ना चाहिए, तो इससे निपटने के लिए कैसे बहुत सारे methods है। जैसे हम strip cropping कर सकते हैं। Strip cropping में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रीप में क्रॉप को लिया जाता है, एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, तो उससे वो जो लैंड है, सॉइल है, वो ओपन रहती नहीं है हमारे वेदरिंग फैक्टर के लिए, ताकि वो इरोड हो जाए या इरोजन हो जाए। तो ये सब चीजें आपको लिखना होगा एज एन कंजर्वेटिव मेथड। ओके, या तो शेल्टर बेल्ट को हम यूज कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट मतलब क्या होता है, जिस लैंड में आप काम कर रहे हो उसकी जो बाउंड्री होती है, दूर में आप कैसे बड़े बड़े प्लांट को या ट्रीज को वहां पे ग्रो कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, विंड, टेम्परेचर या रेनफॉल जैसी चीजें, तो उससे क्या होगा, आपके क्रॉप को प्रोटेक्शन मिलेगा और सॉइल को, लैंड को डीग्रेड होने से या इरोड होने से बचाया जा सकता है। तो इस मेथड को बहुत सारे एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे स्लोप वाले एरिया में, जहाँ पे हिल वाला एरिया, जैसे कर्नाटका, उत्तराखंड या मेघालय वाले रीजन की अगर बात करो आप, आपके कंट्री में, तो वहाँ पे स्टेप फार्मिंग की जाती है। तो वहाँ पे टेरेस बनाए जाते हैं, जैसे हमारी स्टेप्स होती है घर के टेरेस की, तो वैसे फार्मिंग की जा सकती है। तो वहाँ पे इंटरनेट पे आप जरूर इसकी पिक्चर देख सकते हो, या आपके पास में अगर सिलेबस की बुक है तो उसमें भी फिगर 2.7 में ये सब टेरेस फार्मिंग का एक पिक्चर देके रहता है। तो टेरेस फार्मिंग के कारण में भी क्या होता है, जब फ्लो ऑफ रनिंग वाटर इसको रोका जा सकता है और प्रॉपरली इसको मैनेज किया जा सकता है, ताकि ये सॉइल इरोड ना हो। तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल, वाटर एंड अदर रिसोर्सेस। ओके, अगर आप आपके बुक में देखोगे तो वहाँ पे फिगर 2.8 दे के रखा है, जहाँ पे इंडस्ट्री का या तो जो वेस्ट मटेरियल है हाउस होल्ड का वगैरह, उसको ड्रेन किया गया है वाटर रिसोर्सेज में। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इसको रोकना चाहिए, ताकि हमारे आजू बाजू के जो वाटर रिसोर्सेज है वो सेफ रहे, वो पीने लायक रहे, वो यूज करने लायक रहे। तो ये जब तक नहीं रोका जाएगा, तब तक हमारे वाटर रिसोर्सेस या हमारी सॉइल या हमारी लैंड बर्बाद होती रहेगी, तो इसको रोकना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और एक फिगर दी है यहाँ पे 2.9 में, इरिगेशन फील्ड विद द स्प्रिंकलर सेव द वाटर। तो वाटर देखो, इरिगेशन मेथड्स में जैसे स्प्रिंकलर को यूज करते हो या ड्रिप को यूज करते हो आप, तो इससे क्या होता है, जितनी जरूरत है उस क्रॉप की, राइट, उतना ही वाटर उसको दिया जाता है। अनवांटेड वाटर वेस्ट नहीं होता है आपका, और उसके कारण एक तो वाटर सेव हो जाता है और दूसरी कारण वहाँ की जो टॉप सॉइल है वो इरोड नहीं होती है, उसको रोका जा सकता है। तो ऐसे कुछ मेथड्स को आपको क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा और यूज करना होगा। और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर
जो है उसको कम करना होगा, उसको यूज नहीं करना होगा आपको, क्योंकि उसके कारण वो केमिकल कंपोजिशन जो है वो सॉइल में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी लॉस होने लगती है डे बाय डे। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर बचाना है हमें हमारे सॉइल को, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, राइट। डेवलपमेंट जरूर करो आप, पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में जरूर एडॉप्ट करो आप, जरूर आप एक्सेप्ट करो उस पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए, जरूर आप इंस्टीट्यूशन को डेवलप करो, टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, उसको यूज करो, लेकिन हमारे एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे वाटर बॉडीज जो है, हमारी सॉइल है, लैंड है, राइट, एयर है, इनकी क्वालिटी में कोई मतलब डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम हमारे आने वाली जनरेशन के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, राइट। जैसे ऐसा नहीं है कि चलो हमारे बाद में कोई आने वाला ही नहीं है जो इस वाटर को यूज करेगा, इस लैंड को यूज करेगा, ऐसा है क्या? हमारे पहले भी पास्ट में बहुत सारी जनरेशन ने इसी लैंड को यूज किया है, इसी वाटर बॉडीज को यूज किया है, और हम भी कर रहे हैं, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी करेंगे। तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है, ये फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस चीज का स्कोप होना चाहिए और आने वाले जनरेशन को भी स्कोप होना चाहिए कि इस लैंड को यूज करें। आपने कभी देखा क्या कि ह्यूमन हैबिटेशन जो होता है वो वाटर बॉडी में होता है? वाटर बॉडी में नहीं होता, इसी लैंड के ऊपर होता है, क्योंकि लैंड हमको सपोर्ट करती है रहने के लिए, घर बनाने के लिए। अगर लैंड की मतलब लैंड का डिग्रेडेशन होना शुरू अगर हो गया, तो एक दिन तो हम इस लैंड पे घर भी नहीं बना पाएंगे। आपने घर बनाया और पता चला कि सवेरे घर गिर गया आपका, लैंडस्लाइड हो गई उस एरिया में, तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए आपको आपके लैंड मतलब फिजिकल फ्यूचर जो है आपके आजू बाजू में, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन कैसा है वो सब चीजें पता होनी चाहिए। आई होप कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसी वे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करोगे, जहाँ जहाँ पे आपको जो जरूरी चीजें है एक्स्ट्रा की वो नेट पे आप सर्च करोगे, और अगर आपको नहीं भी मिलती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप उन सभी चीजों को मुझे नेक्स्ट वीडियो में पूछोगे या व्हाट्सअप करके आप आपकी क्वेरीज मुझे भेज सकते हो। ओके, आपकी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टूडे। See you in the next meet, okay?